जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो मन झाका आप ना मोसे बुरा ना कोई, कबीरा मोसे बुरा ना कोई। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की, आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ माता रानी मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल पर। ओए होए, कैसे हो, सोने हो, आप खुश रहे, मस्त रहे, बिंदास रहे, आपकी ज़िंदगी में हमेशा बाहर रहे। और दिल्ली के अंदर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इस तरह से ट्रक से पानी डाला जाता है। ये देखिए पानी की बुछार हो रही है ताकि पोल्यूशन कम हो। लेकिन मैं आज आपको फूल मंडी में लेकर आई हूँ, जहाँ पर बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं है, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है, इतने कलरफुल दुकानें हैं यहाँ पर, कितना खूबसूरत सजाने का सामान इनकी दुकानों पर है। देखिए ये सारा सामान आप इनके यहाँ पर गाजीपुर की मंडी के बाहर आकर खरीद सकते हैं। ये आप दिवाली, होली, शादी, मेहंदी, हल्दी, आपके बच्चे का जन्मदिन, और इनकी दुकान पर इतनी सुंदर हरी पत्तियाँ हैं। ये भैया बैठे हैं, आपका नाम क्या है सर? सुभाष जी है इनका नाम, और ये बिल्कुल मंडी के बाहर बैठे हैं। अगर आपको इनकी दुकान से सामान चाहिए तो आप आ सकते हैं और इनकी दुकान से सामान सारा खरीद सकते हैं। और यकीन मानिए कोई बहुत महंगा सामान नहीं है। मॉलों में शॉपिंग करते करते हमें ऐसा लगता है कि बाहर नॉर्मल जगहों पे हमें अच्छी चीज़ें नहीं मिलती। मैं डॉक्टर वाई राखी आपसे इस कार्यक्रम की शुरुआत करूँ, लेकिन हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। मैं आपको सबसे पहले ये कहूँगी कि अपने कर्मों पर बिलीव करना चाहिए। अगर आप अपने कर्मों पर बिलीव करते हैं तो ज़िंदगी में सब कुछ पा सकते हैं। कुछ भी पाना, हासिल करना मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारी सोच पॉजिटिव नहीं होती। आइए मेरे साथ, मैं आपको और जगह दिखाऊँ। ये सारा सामान, इतने कलरफुल फूल, ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं ना, ये हमारे यहाँ शादियों में कपड़े, छतरियाँ और ये सब चीज़ें यहाँ से जाती हैं, और यही बड़े बड़े मॉलों में जाती है। इन्हीं दुकानदारों से खरीद कर और इसके आप लाखों रुपये देते हैं। लेकिन आप चाहें तो सीधा गाजीपुर मंडी दिल्ली में आकर, अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं, तो ये सामान सड़कों पर से खरीद सकते हैं, अगर आपको सड़कों से शॉपिंग करने में प्रॉब्लम नहीं है तो। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या करें और क्या ना करें। लेकिन ना मुझे बहुत कलरफुल चीज़ें अट्रैक्ट करती है। देखिए ये कितनी खूबसूरत, और जब इन पर धूप पड़ रही है, ये अगर दिवाली होली पर अपने घर के बाहर सजाई जाएँ, या आपके घर में पर्दे नहीं हैं। भैया ये कितने का है पूरा पैकेट? अब बताइए, ये 12 आपको 70 रुपए में मिल रहे हैं। ये अगर अपने घर में पर्दे ना भी हो और इनको उसकी जगह पर लगाया जाए तो क्या बुरा है? इट्स सच ब्यूटीफुल। इसमें एक ये छोटे वाले भी हैं और ये आपको उससे भी आसान मिलेंगे। ये आपके घर में पर्दों का काम भी करेंगे और आपकी लाइफ में चमक भी लेकर आएंगे। तो एक बार इस मार्केट में आकर ज़रूर देखिएगा, इट्स सच अ ब्यूटीफुल मार्केट। मैं आपको आपकी ज़िंदगी के बारे में बता रही हूँ कि होली पर क्या करें क्या ना करें। अपनी हर वीडियो में मैंने आपके साथ ये बात शेयर तो ज़रूर की है, लेकिन अब शेयर करना बहुत ज़रूरी है प्रॉपर तरीके से। 1 मार्च से लेकर 8 मार्च तक कुछ चीज़ें हैं जो आप ज़रूर करेंगे और कुछ चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसे आपको किसके घर का खाना नहीं खाना, किसी के घर में इन दिनों में ज़्यादा ना जाएं, किसी और के कपड़े ना पहने, अपने कपड़े किसी को पहनने को ना दें। आप इन 8 दिनों में हींग अपनी जेब में रखकर ज़रूर चलें, अपने बच्चों को हींग निकाल लगा कर, हस्बैंड को हींग लगा कर ही घर के बाहर भेजें, चौराहे पर बिल्कुल भी पार ना करें। और अगर आप गर्भवती महिला हैं तो अपनी प्रेगनेंसी का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और ये खूबसूरत से फूल देखिए, ये एक फूल तो बालों में लगाना बनता है, और ये फूल एक लेना यहाँ से, बहुत खूबसूरत फूल है ये। और इस फूलों से आपको सजावट भी की जा सकती है, आप इस फूल को जगह जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब यहाँ इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं कि मेरा मन कर रहा है कि आज मैं पूरा दिन शाम तक यहीं पर शूट करूं। आपको काले नीले कपड़े होली पर नहीं पहनने चाहिए, आपको गंगा जल ज़रूर पीना चाहिए, आपको इन 8 दिन में लगातार 8 दिन अपनी नज़र उतारनी चाहिए, आपको किसी को होली के आसपास पैसे उधार नहीं देने चाहिए, आपको किसी से होली के आसपास पैसे उधार लेने भी नहीं चाहिए, क्योंकि पैसे उधार अगर ले लिए तो देने में वापस बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपको इन 8 दिनों में शिवालय पर जल अर्पण ज़रूर करना चाहिए, आपको इस 8 दिनों में परफ्यूम लगाने से बचना चाहिए, आपको बाल धोकर, बाल जब आप फेंकते हैं तो हमेशा उसमें थूक मारकर बालों को फेंकना चाहिए, आपको भक्ति, दान पुण्य ज़रूर करना चाहिए, राधा कृष्ण के दर्शन ज़रूर करने चाहिए, इन 8 दिनों में लोगों की दुआओं में रहना चाहिए, आपको इन 8 दिनों में लोगों की बददुआओं में आने से बचना चाहिए, आपको इन 8 दिनों में कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध ज़रूर देना चाहिए।
चाहिए, आपको इन 8 दिनों में गौशाला जरूर जाना चाहिए, आपको गाय की परिक्रमा करनी चाहिए, आपको इन 8 दिन में गौमूत्र पीना चाहिए, इन 8 दिन में गौमूत्र पानी में डाल के स्नान करना चाहिए, गौमूत्र का घर में पोछा लगाना चाहिए, इस 8 दिन में मंदिर में झंडे लगाने चाहिए, आपको दान करना चाहिए, इस 8 दिन के अंदर अपने घर का कबाड़ निकालकर जहाँ पर होलिका दहन होने वाला है, होलिका जलने वाली है, वहाँ फेंक कर आना चाहिए। मथुरा वृंदावन अगर आप दर्शन कर सकते हैं तो इन 8 दिनों में आपको दर्शन करने चाहिए। इन 8 दिनों में लगातार घर के अंदर पीली सरसों जरूर छिड़कनी चाहिए और घर से बाहर निकले तो इस फूल की तरह आपको अपने बालों में भी पीली सरसों अर्पण कर घर से निकलना चाहिए, वो आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। इन 8 दिनों में डॉक्टर वाई राखी के 2 मिनट के उपाय आपको ज़रूर देखने चाहिए। इन 8 दिनों में अपने बालों में गजरा ज़रूर लगाना चाहिए। इन 8 दिनों में अपने घर में फ्रेश फ्लावर ज़रूर रखने चाहिए। इन 8 दिनों में अपने माता पिता के पैर छूकर उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। इन 8 दिनों में माता पिता को मंदिर लेकर जाना चाहिए। इन 8 दिनों में जितने दिन दीपक अपने घर में जले उसमें थोड़ा सा गुलाल ज़रूर डालना चाहिए। इन 8 दिनों में केवल पॉजिटिव सोचना चाहिए। इन 8 दिनों में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जाप ज़रूर करना चाहिए। इन 8 दिनों के अंदर होली जमकर खेलनी चाहिए। अपने बेटियों के घर में खाने का सामान होली की रंग ज़रूर भेजने चाहिए। कहते हैं जिसके घर की बेटी खुश उसका सब कुछ खुश। जितनी आपकी आर्थिक स्थिति हो उतना ही सही, लेकिन कृष्ण को बांसुरी अर्पण करनी चाहिए और टॉफियों का एक हार बनाकर आपको समस्त देवी देवताओं को और अपने घर के बच्चों को अग्नि दहन के समय पर ज़रूर पहनाना चाहिए। इससे भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है। और आपको इन 8 दिनों के अंदर मुस्कुराना चाहिए, रोमांटिक रहना चाहिए और पति के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि कायदे से ये 8 दिन ओए होए रोमांस के दिन होते हैं। आप अपना और अपनों का रखिएगा विशेष ध्यान। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आपको मेरे इस कार्यक्रम में हर वक्त हर रोज़ देखने के लिए मिल जाएगा क्या करें क्या ना करें, क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है क्या नहीं करनी। आप नज़र रखिएगा मेरे उपायों पर, खास करके 2 मिनट के उपायों पर। आपको 9 मार्च के बाद अपनी सारी अंगूठियां उतारनी है, क्रिस्टल्स उतारने हैं, ओपल का लॉकेट उतारना है, रुद्राक्ष उतारने हैं, उन सबको गंगा जल में धोकर फिर दोबारा पहनना है। इन 8-9 दिन में अपनी इन सब चीज़ों को पहन के ज़रूर रखिए। ये मतलब नहीं है कि जले कटे दिन है तो आप इन चीज़ों को उतार दें, उल्टा ये चीज़ें आपको बहुत पॉजिटिविटी देंगी और नकारात्मकता को आपसे दूर करेंगी। और देखिए मैंने पूरी शूट कहाँ करी है, हम सुबह 4 बजे से निकले हुए हैं और इस वक्त 10 बज रहे हैं और ये हमारा लास्ट शूट है और हम खड़े हैं गाजीपुर मंडी के पास। आपके लिए मैं एड्रेस भी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। आपको मेरी सारी मार्च की वीडियो, चाहे एकादशी हो, प्रदोष हो, अमावस हो, पूर्णिमा हो, आपको सारी वीडियो मेरी इसी गाजीपुर मंडी की मिलेंगी। और यहीं से मैंने शॉपिंग की है होली के लिए और कई फूल लिए हैं और अभी मैं होली वाले दिन भी उससे एक दिन पहले आकर यहाँ से खूब सारे फूल लेकर जाने वाली हूँ और आसमान की तरफ फूल उड़ाकर भगवान के साथ होली खेलने वाली हूँ। क्या आप खेलेंगे होली? तो चलिए मेरे साथ, फिलहाल दीजिए इजाज़त, बाय बाय।